कबीर के दोहे। आज हम कॉपी वर्क करेंगे। कॉपी वर्क में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? पाठ्य वस्तु। पाठ्य वस्तु मतलब पाठ्य के अंदर, उस पाठ के अंदर हम क्या क्या करेंगे उसकी रूपरेखा तैयार करना पाठ्य वस्तु कहलाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कठिन शब्द, दूसरे नंबर में शब्दार्थ, तीसरे नंबर में वाक्य प्रयोग, चौथे नंबर में प्रश्न उत्तर, पांचवे नंबर में पुस्तक कार्य जो बुक वर्क है अपना पेज नंबर 99 जो 101 मतलब 99 से 101 तक बुक वर्क है अपना। ठीक है, पहला नंबर है कठिन शब्द। हाउ मेनी टाइम वी हैव राइट कठिन शब्द? 3 टाइम्स। कितने बार लिखते हैं हम? 3 टाइम। पहला नंबर है ललचावे, ललचावे, ललचावे। दूसरा नंबर है कुम्हार, कुम्हार, कुम्हार। तीसरा नंबर चूपड़ी, चूपड़ी, चूपड़ी। चौथा नंबर प्रेम, प्रेम। पांचवा नंबर हृदय, हृदय। उसके बाद हमारे पाठ्य वस्तु में दूसरा नंबर है शब्दार्थ। शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ को शब्दार्थ कहा जाता है। पहला है बहुरी, बहुरी का अर्थ क्या है? फिर। बहुरी का अर्थ है फिर। दूसरा नंबर है तोही, तोही का अर्थ है तुझे। तीसरा नंबर है काल, काल मतलब कल। चौथा नंबर है पीव, पीव मतलब पीना। पांचवा नंबर है जाके, जाके मतलब जिसके। बेटे आप देखते हैं तीसरा नंबर हमारे तीसरा नंबर हमारे पाठ्य वस्तु में क्या है? वाक्य प्रयोग है ना। वाक्य का हमको प्रयोग करना है लेकिन पहले उसका अर्थ लिखेंगे। ठीक है, जैसे बानी, बानी का अर्थ क्या है? बोली। उसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमें हमेशा मीठी बानी बोलना चाहिए, हमें हमेशा मीठी बानी बोलनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बानी का वाक्य प्रयोग किया है इसलिए इसके नीचे हमने अंडरलाइन किया है। नंबर टू सांच, सांच मतलब सत्य। उसका वाक्य प्रयोग देखते हैं, सांच बराबर कोई तपस्या नहीं। ठीक है, सांच बराबर कोई तपस्या नहीं। हमने किसका वाक्य प्रयोग किया बेटा? सांच का, तो सांच के नीचे मैं अंडरलाइन करी हूँ, आप लोग भी अपनी कॉपी में करेंगे। चलिए बेटा, हमारे पाठ्य वस्तु में चौथा क्या था? प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला देखेंगे, गुरु की महिमा का वर्णन किस दोहे में है? गुरु की महिमा का वर्णन किस दोहे में है? उत्तर नंबर 1, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ मैं बताती हूँ आपको। गुरु और भगवान दोनों के साथ साथ खड़े होने पर असमंजस हो जाता है ना। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े होने पर असमंजस हो जाता है कि किनको पहले प्रणाम करूं। कबीरदास जी कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि उनके बताने के कारण ही हमें यह पता चला कि गुरु के सामने या गुरु के साथ में भगवान खड़े हैं और भगवान के पास जाने का रास्ता ही हमें गुरु ने ही बताया है। तो गुरु की महिमा का वर्णन इस दोहे में है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, किस दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया है? किस दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया है? उत्तर नंबर 2 देखेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। ठीक है बेटा, मैं अर्थ बताती हूँ। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन प्रसन्न हो जाए। मीठा वाणी बोलने से दूसरों को तो अच्छा लगता ही है, खुद को भी अच्छा लगता है। इस दोहे में कबीर ने वाणी की मधुरता का वर्णन किया है। ठीक है, आप लोग इसे लिखिए अपनी कॉपी में।
चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। कबीर दास जी ने काम के विषय में क्या बताया है? कबीर दास जी ने काम के विषय में क्या बताया है? उत्तर नंबर 3, कबीर दास जी ने काम के विषय में बताया है कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए और क्यों? हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए और क्यों? उत्तर क्रमांक 4 देखेंगे। हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए क्योंकि मीठी वाणी बोलने और सुनने वालों दोनों को आनंदित करती है। क्योंकि मीठी वाणी बोलने और सुनने वाले दोनों को आनंदित करती है। प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे। कबीर दास जी ने सबसे बड़ा तप व पाप किसे कहा है? सबसे बड़ा तप व सबसे बड़ा पाप किसे कहा है कबीर दास जी ने? उत्तर 5 देखेंगे। कबीर दास जी ने सबसे बड़ा तप सत्य को और सबसे बड़ा पाप झूठ को कहा है। सबसे बड़ा सत्य, सबसे बड़ा तप सत्य को कहा है और सबसे बड़ा पाप झूठ को कहा है। चलिए बेटा प्रश्न 6 देखेंगे। गुरु और भगवान में से कबीर दास जी ने किसे बड़ा कहा है और क्यों? गुरु और भगवान में से कबीर दास जी ने किसे बड़ा कहा है और क्यों? उत्तर नंबर 6, गुरु और भगवान में से कबीर दास जी ने गुरु को बड़ा कहा है क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु और भगवान में से कबीर दास जी ने गुरु को बड़ा कहा है क्योंकि गुरु के द्वारा ही हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न 7, देखी पराई छू पड़ी मत ललचावे जी से कवि का क्या आशय है? देखी पराई छू पड़ी मत ललचावे जी से कवि का क्या आशय है? उत्तर नंबर 7 देखेंगे। देखी पराई छू पड़ी मत ललचावे जी से कवि का आशय है कि हमें दूसरों की अच्छी चीज देखकर लालच नहीं करना चाहिए। क्या है? कि हमें दूसरों की अच्छी चीज देखकर लालच नहीं करना चाहिए। इसे आप लोग अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे।